नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के 3रे दिन के आखिरी सत्र का दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI, नीतू चंद्रा, प्रिया विज, भरत, आकांक्षा बंसल, गुनीत कालरा, पूनम हर्ष ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतु लाल ने सभी अतिथिगण को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया। सभी अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता नीतू चंद्रा की मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट का ट्रेलर भी दिखाया गया। स्टूडेंट्स ने भारत की खूबसूरती को नृत्य के माध्यम से दर्शाया। वही भारतीय फैशन परिदृश्य अपनी सांस्कृतिक विरासत, लालित्य और रंगीनता के साथ जाना जाता है। यह सूक्ष्मता और सुंदरता को सामने लाता है जो असंख्य दशकों से कायम है। भारत में फैशन उद्योग गतिशील परंपराओं का एक सम्मेलन है। भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर, फ्यूशन, तिरंगे, ख्वाब, पेशेवाज, मेदांतपुर फोर्ट, भगवान श्री राम और माता सीता आदि से प्रेरणा लेकर फैशन शो दिखाया गया। बता दें कि मॉडल्स ने रैंप पर अपनी खूबसूरती से 4 चांद लगा दिया, जिससे ये समा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया, जिससे सभी गेस्ट और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और गेस्ट ने स्टूडेंट्स के कामों को खूब सराहा। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही कहा, भारत समृद्ध संस्कृति और परंपरा का देश है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने फैशन शो में भारत की खूबसूरती को दिखाया है, इनकी क्रिएटिविटी और कठिन मेहनत को देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने ऐसा फैशन शो कभी नहीं देखा। स्टूडेंट्स ने फैशन वीक के लिए काफ़ी मेहनत की है, आगे भी ऐसी ही मेहनत करते रहेंगे। वहां मौजूद अतिथिगण ने भी स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट कॉन्सेप्ट कलेक्शन, बेस्ट क्रिएटिविटी डिजाइन, बेस्ट डिजाइन कलेक्शन, मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स आदि अवार्ड देकर स्टूडेंट्स और डिजाइनर को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के समापन समारोह में स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतु लाल ने सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया। 3रे दिन का 9वां शो और मैं कैसा समझता हूँ कि हम लोगों ने बिल्कुल फतेह पा ली है। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वाकई हिमालय की चोटी पर पहुंच चुके हैं। जो जोश, जो लगन, जो उम्मीद थी वो सामने खिल के आई है। मंच से एक एक ड्रेस जो है वो मुंह बोल रही थी और एक एक ड्रेस के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे तबीयत से दिलो जान लगाकर ड्रेसेस जो हैं वो तैयार की गई हैं। उसी तरीके से फर्नीचर का एक एक पीस इतना खूबसूरत तैयार होकर पड़ा है। सामने नजर आता था कि बच्चों ने जो है उसमें अपने पूरे प्राण जो हैं वो भूखे हुए हैं। इतना खूबसूरत तरीके से एक एक चीज़ बनी है। आखिरी शो था और ये जो 9वां शो था ये डेडिकेट था अपने देश को, भारत को, और शायद यही वजह थी कि हम लोगों ने उसमें कोशिश की कि हम देश के प्रति जो अपनी श्रद्धा है उसे प्रदर्शित करें। और राम सीता से लेकर और ऐतिहासिक किलों और महलों को इंस्पिरेशन लेते हुए ये सारा शो तैयार किया गया था। एक एक स्टूडेंट ने बेहतरीन काम किया है। आज 7वां ग्लोबल फैशन वीक, फैशन एंड डिज़ाइन वीक जो है वो अपने आप में एक सफल हुआ है। और जितना मेरा ज्ञान है और जितना मैं घुमा हूँ देश भर और दुनिया भर में, मुझे लगता है कि मैंने खुद अब तक इतना बड़ा शो नहीं देखा है जहाँ पर 550 ड्रेसेस, 80 फर्नीचर, 175 डिज़ाइनर, जहाँ 62 कंट्री, 28 एम्बेसडर और 5000 से भी ज़्यादा की ऑडियंस एक साथ यहाँ पर मौजूद रही। मारवा स्टूडियो ने आज फिर से एक बार आर्ट और कल्चर में एक नया झंडा गाड़ दिया। क्योंकि मैंने 9, 10
डिज़ाइनर्स को उनके कलेक्शंस को वॉक करते देखा है एंड दीज पीपल आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो द वे दे आर द फ्यूचर यू नो जिस तरह से वो इंस्पायर्ड थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट द बेस्ट थिंग इज कि वो इतनी यूनिक थी सारी चीज़ें कि इट्स फेल्ट सो नाइस कितनी चीज़ें हैं सीखने के लिए एंड फ्रॉम दीज यंग डिज़ाइनर्स हुव जस्ट कम टुडे आई एम हैट्स ऑफ टू देम गुड लक विद द होल थिंग फैशन शो आप लोगों का मेरे ख्याल से वर्ल्ड बेस्ट है और उसका कारण है क्योंकि आज से 100 साल पहले 50 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया इतने ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा आज आपके फैशन शो में आई हैव सीन द कल्चर विच यू आर ब्रिंगिंग एंशियंट कल्चर विच यू आर ब्रिंगिंग बैक टू द स्टेज बैक टू योर कंट्री बट बैक टू द ग्लोब सो वंडरफुल कंग्रेचुलेट दिस वॉज सच अ मार्वलस शो I haven't witnessed such a show in my life. I would say मिट्टी जो होती है उसको जब तक घड़ा ना जाए तो उससे कुछ अच्छा आर्टिकल नहीं बनता और संदीप मारवा से बेटर कोई क्यूरेटर है नहीं कमाल का शो फ्लॉलेस बिल्कुल फ्लॉलेस इतनी मेहनत आप लोगों ने की है गॉड ब्लेस यू स्टे ब्लेस अगले साल इससे भी बढ़िया करना रिस्पॉन्स तो इतना ज़्यादा था कि हाथ कम पड़ गई उंगलियाँ कम पड़ गई नंबर कम पड़ गए So it has gone fabulous. We have covered about 68 countries. There were about 500 plus garments, 85 plus pieces of furniture, 36 pieces of jewelry, and 3 books of coffee tip. मैम देखा कि कई गेस्ट आए कई सेलिब्रिटी आए कई कंट्री के ड्रेसेस प्रेजेंस हुए कई एग्जीबिशन हमें देखने को मिले जी आपके हिसाब से ऐसा क्या यूनिक था जो और कहीं नहीं देखने को मिलता जो आज मारवा स्टूडियो में से 3 दिनों में देखने को मिला सी ये ऐसा सवाल है कि आप पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा आप एक माँ से कि कौन सा बच्चा अच्छा है सारे ही कलेक्शन बहुत अच्छे थे बच्चों ने बहुत मेहनत की आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 साल मास्टर्स के 3 साल BSc के और 1 साल डिप्लोमा वाले बच्चों का भी कलेक्शन थे और सब एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे और पहली बार है कि हमने 56 अवार्ड्स दिए हैं नहीं तो हम हमेशा 20-30 ही अवार्ड्स देते थे लेकिन इस बार 56 है कंपटीशन बहुत टफ था जूरी जो इंडस्ट्री से आई थी उनके लिए भी बहुत मुश्किल था डिसाइड करना कि किसको अवार्ड दें और किसको नहीं लास्ट एक मैसेज क्या बोलना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने आप पे विश्वास करें अपने टीचर्स पे विश्वास करें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स ने वही किया है द इवेंट वॉज अ सक्सेस थैंक यू